हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिक्स कैड के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम फ्लोर प्लान के अंदर ब्लॉक कैसे इंसर्ट करते हैं, उनको रिसाइज कैसे करते हैं, और साथ में आज हम सीखेंगे कि हम टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं और हैच कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ब्लॉक इंसर्ट करना और उसको रिसाइज करना। तो यहाँ पर हमने अलग अलग ब्लॉक इंसर्ट किए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये बेड का ब्लॉक हो गया, यहाँ पर सोफा सेट हो गया, यहाँ पर टेबल होगी। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक यूज कर रखे हैं इस ड्रॉइंग के अंदर। तो चलिए सीखते हैं कि ये ब्लॉक कैसे इंसर्ट करेंगे इस ड्रॉइंग के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्रॉइंग फाइल ओपन कर रखी है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर अलग अलग बेड के डिज़ाइन है। अब जैसे आपको कोई भी अगर बेड का डिज़ाइन यहाँ पर इंसर्ट करना है ड्रॉइंग के अंदर, उस बेड के डिज़ाइन को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और वापस ड्रॉइंग फाइल के ऊपर जाइए और यहाँ पर इस व्यूपोर्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कंट्रोल वी करेंगे और फिर हमसे इंसर्शन पॉइंट पूछेगा, तो इंसर्शन पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस बेड का स्केल हम रिड्यूस कर लेंगे। इस बेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम स्केल कमांड अप्लाई करेंगे। उसके बाद बेस पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर R एंटर करेंगे रेफरेंस के लिए। फिर दोबारा बेस स्केल पूछेगा तो स्टार्ट पॉइंट ये देता हूँ और एंड पॉइंट जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो दूंगा। न्यू स्केल वो मैं इसका दे दूंगा 6 feet 5 inch। ओके, फिर यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद मैं इस ब्लॉक को मूव कर लेता हूँ, M एंटर करता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद। मिड पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑर्थो ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर हम इस रूम के मिड पॉइंट के ऊपर ये ब्लॉक मूव कर लेंगे। तो ये ब्लॉक हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। इसी तरह हम बाकी सभी ब्लॉक्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ब्लॉक्स मैंने सेम टू सेम इस तरीके से इंसर्ट किए हुए हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनको कॉपी कर लेता हूँ इधर से इस ड्रॉइंग में से इस ड्रॉइंग में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये सभी ब्लॉक मैंने अभी सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर कॉपी कमांड लेंगे। अब यहाँ पर बेस पॉइंट ये दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये दे देता हूँ। तो ये ब्लॉक हमारे यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ये ब्लॉक इंसर्ट करते हैं और उनको रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है, जिसके अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट करना सीखेंगे, डायमेंशन क्रिएट करना सीखेंगे और हैच पैटर्न कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हैच पैटर्न अप्लाई कर देता हूँ। तो हैच पैटर्न अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले हैच लेयर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर हैच कमांड लेंगे और हैच कमांड लेते ही हमारी हैच एंड ग्रेडिएंट विंडो ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर पिक पॉइंट इन बाउंड्रीज के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर ये क्लिक, फिर यहाँ पर ये क्लिक, तो यहाँ पर ये हैच पैटर्न अप्लाई कर लिया। अब राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस हैच पैटर्न का स्वैच चेंज कर लेते हैं। ये कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कॉन्क्रीट, ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका स्केल इंक्रीज कर लेता हूँ मैं 20, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये हैच पैटर्न अप्लाई हो गया है इसके ऊपर। ओके, उसके बाद अगर हमें यहाँ पर डायमेंशन शो करनी है तो हम यहाँ पर डायमेंशन कमांड लेंगे और यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, तो ये डायमेंशन हमारी 22 feet 3 inch आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये बाउंड्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, तो ये भी डायमेंशन शो हो गई। अब यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको कन्वर्ट कर लूँगा मैं डायमेंशन लेयर के अंदर। तो हमारी यहाँ पर डायमेंशन लेयर ये है। ओके, अब यहाँ पर दोबारा मैं डायमेंशन एंड टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर टेक्स्ट कमांड लेता हूँ और फर्स्ट कॉर्नर ये देता हूँ, सेकंड कॉर्नर ये। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे किचन, KITCHEN। फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 10। फिर यहाँ पर ये क्लिक करूँगा, जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी छोटी और कर लेते हैं, इसकी टेक्स्ट हाइट यहाँ पर 7 एंटर करता हूँ, तो ये विजिबल भी है और सही फिट भी हो रही है। उसके बाद ये क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा और यहाँ पर डायमेंशन लिख देता हूँ मैं 6 feet 7.5 inch x 10 feet 0 inch और फिर यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे, जस्टिफिकेशन मेडल सेंटर कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर इसकी हम कॉपी कर लेंगे, अलग अलग कॉपी कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ये सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और एक कॉपी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर इन सब का नेम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ,
ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये टेक्स्ट भी राइट कर लेंगे। ये जो टेक्स्ट के अंदर मैंने डायमेंशन शो की है, ये हमारी इनर डायमेंशन होती है। जैसे मैं यहाँ पर डिस्टेंस की कमांड लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ डिस्टेंस का, और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे जो हमारी यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रही है, ये आ रही है 6 feet 7.5 inches, जो कि मैंने यहाँ पर ये शो कर रखी है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये टेक्स्ट राइट कर लेंगे और इसमें डायमेंशन शो कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं व्यू टैब के ऊपर चलता हूँ, व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंगल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर होम टैब के ऊपर दोबारा चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये फ्लोर प्लान डिजाइन करते हैं 5 simple steps के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय।